पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इन्हीं दिनी कुछ चैनलों नूं लंबे लंबे इंटरव्यू दे रहे हैं। एक निजी चैनल नूं इंटरव्यू देने दौरान मुख्यमंत्री मान ने वारिस पंजाब के मुखी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी और सरेंडर नूं लैके उठे विवाद और जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब के मौजूदा रोल नूं लैके दो वड्डे बयान दिते जिसते आने वाले दिनों दे विच सियासत गरमा सकती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दस्सिया कि 22 अप्रैल की रात नूं ही सानूं इनपुट मिल गई सी कि अमृतपाल रोडे पिंड पहुंच सकते हैं। फिर पुलिस के आला अधिकारियों के नाल चर्चा दरम्यान कहिंदी मैं ही पुलिस पिंड नूं घेरा पाउण बारे कहा सी ते फिर मैं ही पुलिस नूं कहा सी कि उह गुरुद्वारे दे अंदर नहीं जाणगे, कोई भी गोली नहीं चलेगी। घेरा पा के गिरफ्तारी जां फिर अमृतपाल सिंह दे वल्लों सरेंडर दे सवाल ते सीएम ने कहा कि साडे वल्लों एक सुनेहा अंदर भेजा गया, वह बाहर आ गए, उन्होंने आके गिरफ्तारी दे दी, हुण तुसीं नूं सरेंडर कह लो फोर्स करके सरेंडर कहना कह लो, तुसीं कुछ भी कह सकते हो। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्री अकाल तख्त साहब की भूमिका से फिर सवाल चुके, कहा SGPC का प्रधान भी श्रोमणी अकाली दल का मैंबर है तो श्री अकाल तख्त साहब का जथेदार भी उन्होंने अधीन है। दावा किया कि मैं श्री अकाल तख्त साहिब का सत्कार करता हाँ, साढ़े लिए उतों आने वाला हर आदेश फुरमान है, पर जोड़े उत्थे जथेदार साहब बिठाए हुए हैं उन्होंने कोची आँदी है, इसनों सज़ा दौ, इस माफ़ कर दौ। अमृतपाल सिंह ने मसले दरमियान जथेदार बारे दिए गए अपने बयान नूं फिर सही ठहराउंदे सीएम ने कहा कि मैं जथेदार साहिब नूं सिर्फ इन्ना ही कहा सी कि तुसी परिवार नाल नहीं धर्म नाल संबंधित फैसले करो, मैं चाहुंदा कि राजनीति धर्म तो सिक्ख्या लए, पर इत्थे तां कहिंदे सियासत धर्म नूं सिक्ख्या देण लगी हुई है। जदों कहिंदे अजनाले वाली घटना वापरी सी तां चारे पासियां तों निंदा हुई, जथेदार साहिब ने फैसला लैण दी थां कमेटी बना दित्ती, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दित्ती है, पर उस रिपोर्ट दा की होया, किथे है नतीजा। मुख्यमंत्री मान ने दावा किया कि दरअसल ये लोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं ढाल बना के वरतना चाहते ने। मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ लग रहे एंटी सिख होने के इल्जामों का भी जवाब दिता। जदों इस सवाल पूछा गया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं दो वक्त अरदास करने वाला बंदा हाँ, साड़ी सरकार ने आउंदे ही पालकी साहिब दियां गड्डियां ते लगन वाला टैक्स खत्म किया जिहड़ा ना किसी ने कदे किया ते ना ही सोचा सी। आनंद मैरिज एक्ट विच भी सोध करके कहिंदे असीं छेती लागू करन जा रहे हाँ, फतेहगढ़ साहिब आउण वालियां दे लई 18 सड़कां चौड़ियां कीतियां जा रहियां ने। कर्नाटका वर्गे सूबे दे विच भाषण शुरू करन तो पहला कहिंदे मैं बोले सो निहाल सत श्री अकाल बोलदा ते संबोधन खत्म करन वेले वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह बोलदा हाँ। मुख्यमंत्री मान ने इल्जाम लाया कि इन्ना तो पंजाब का नुकसान अबदाली ने नहीं किया जिन्ना अकाली दल ने कर दिता। सो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जिहड़े श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ते श्री अकाल तख्त साहिब जां कह सकदे कि सिख सियासत नूं लैके जिहड़े ये बयान दित्ते ने, यह बयान जे सियासी मायने दे नाल दित्ते गए ने, जलंधर जिमनी चोण नूं ध्यान विच रखदिआं दित्ते गए ने, तां जाहिर तौर ते दूजी धिर वल्लों भी इसका जवाब दिता जाएगा। हालांकि खबरां पढ़े जाण तक तां श्रोमणी अकाली दल जां SGPC जां जथेदार साहिब वल्लों इस बारे कोई जवाब नहीं दिता गया सी। पंजाब दे विच पर्ल ग्रुप दे स्कैम दा मामला लंबे समय तो चर्चा दे विच है ते हुण इस बाबत मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिर ऐलान किया है, बयान दिता है कि कानूनी तौर पर राह साफ करके धोखे नाल हड़प्पी जायदाद सरकार अपने कब्जे विच लैके लोगों का सारा पैसा वापस करेगी ते इस प्रक्रिया नूं पूरी करन दे लई सरकार राह पद्धरा कर रही है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि पर्ल कंपनी ने लखां लोगों की मेहनत के करोड़ों रुपये खा ले, पंजाब च पर्ल कंपनी दी बहुत जायदादां ने, असीं कानूनी तौर पर राह साफ करके ओ जायदाद अपने कब्जे दे विच लै के लोगों का सारा पैसा वापस करन लई राह पद्धरा कर रहे हैं, वेरवे छेती। यानी कि मुख्यमंत्री ने संकेत दिते ने कि इस केस दे विच छेती ही कोई ना कोई वड्डी अपडेट आने वाली है। मुख्यमंत्री मान ने चोणां तो पहलां लोगों नाल वादा भी किया कि लोगों का पैसा लुटन वाली चिट फंड कंपनियां खिलाफ सख्त तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, पर्ल ते क्राउन वर्गियां कंपनियां दीयां जायदादां जब्त कीतियां जाणगियां, आम लोगों का एक एक पैसा उन्हां नूं वापस किया जाएगा। MP होंदिया लोग सभा दे विच वी CM मान ने यह मुद्दा जोर शोर दे नाल चुकिया सी।